कल पायल के केस की तारीख है, क्या कर क्या रहे हैं आपके सर? देखिए, वैसे तो ये केस पायल जी के खिलाफ है और जब तक सबूत नहीं मिल जाते। हमने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो सारे सबूत बदल चुके हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि ये केस सबूत के बिना भी जीता जा सकता है, तो फिर अब वो उन सबूतों की रट लगा के क्यों बैठे हैं? मान लो कि ये सबूत हमारे पास होते ही नहीं, तो उस हालत में भी आप ये केस लड़ेंगे नहीं? और अगर हमारे पास सबूत होते तो ये केस कोई भी लॉयर जीत सकता है, आप जैसे बड़े लॉयर की जरूरत ही क्या थी? महेश, तुम्हारे चिल्लाने से पायल जेल से बाहर तो नहीं आ जाएगी, शांत रहो बेटा। कैसे शांत हो जाऊं माँ? कल कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाने वाला है और इस वक्त हम इनके सबूतों को लेकर हम बैठेंगे तो ये केस पायल के खिलाफ हो जाएगा और पायल को सजा हो जाएगी। अब ये केस लड़े या ना लड़े, मैं पायल को सजा होने नहीं दूंगा। देखिए मिस्टर महेश, सबूतों के बिना ये केस बहुत कमजोर है। लिसन मिस्टर एडवोकेट, ये केस हमारा है, हम इसे किस तरह से हैंडल करें ये हमारी प्रॉब्लम है। आपके मशवरे या सलाह की कोई जरूरत नहीं है कि ये केस कमजोर है या नहीं। इट्स बेटर कि आप यहां से चले जाएं और हमारी ओर से आपके बॉस से माफी मांग लेना, बिकॉज नाउ यू आर नॉट हैंडलिंग दिस केस। जैसा आप चाहें। अरे वकील साहब, मेरी बात सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। महेश, क्या हो गया तुम्हें? एक ही उम्मीद थी इस क्रिमिनल लॉयर की और तुमने वो भी तोड़ दी। उम्मीद तो उसी दिन टूट गई थी रोहित, जब सारे सबूत बदल गए थे। फाइल बेगुनाह होते हुए भी उसकी मक्कार बहन काजल की लेटर की वजह से गुनहगार साबित हो गई। अब तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, कैसे बचाऊं मैं फाइल को? डर है कि कल उसे कोई सजा ना हो जाए। नहीं महेश, पायल को सजा नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी कोई रास्ता बंद हो जाता है भगवान दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है, और इस बार भी एक रास्ता है। हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। अगर भगवान ने चाहा, तो कल ही पायल निर्दोष साबित होकर हमारे साथ घर वापस आएगी। एक मिनट। जानकी बात कर रही हूँ, मुझे काजल सुसाइड केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। जानकी कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं बन रही है का? पायल,
निशाने में। कल क्यों नहीं आए तुम? किस मुंह से आता पायल, किस मुंह से आता तुम्हारे पास? वो सारे सबूत गवा दिए जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकते थे। आज तुम जेल की सलाखों के पीछे खड़ी हो तो सिर्फ मेरी वजह से पायल, सिर्फ मेरी वजह से। गलती मेरी और सजा तुम्हें मिल रही है। ऐसा मत कहो महेश, जो तुमने मेरे लिए किया है वो दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता। और मेरा यकीन करो महेश, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ तुम्हारी और सारे परिवार की, जिसे मैं सबसे ज्यादा खुशियां देना चाहती थी उसे मैं सबसे ज्यादा दुख दे रही हूँ। और मैं अपने आप को इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पायल, तुमने कुछ नहीं किया है, किसी को कोई दुख नहीं दिया, बल्कि पूरा परिवार दुखी है। सब लोग तुम्हें खुशी देने के लिए लाए थे घर, और तुम इस वक्त यहाँ इस हाल में। लेकिन पायल, हमने हिम्मत नहीं हारी है। जानकी एक बहुत अच्छी लॉयर को जानती है और बहुत जल्द हम उसे मिलने वाले हैं। और मुझे पूरा यकीन है कल कोर्ट में तुम्हें बेगुनाह साबित करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम सब लोग कितने अच्छे हो, जी काका, मिठी माँ, दादी माँ, जानकी, बिंदिया, सब। मैं कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कोई सजा होने नहीं दूंगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ, मेरा वादा है तुमसे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है महेश। जब तक तुम और तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती हूँ। फील बैड है भाभी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बहू की लगाम खींच के रखनी चाहिए? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने? पायल की भलाई के लिए अगर उसने वकील को फोन कर दिया तो इसमें गलत क्या किया उसने? और कोकी, इतना तो सोचो कि उस वक्त घर वालों के सामने अगर मैं उसे मना करती तो सब लोग क्या सोचते मेरे बारे में? वो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मैं नहीं चाहती कि पायल इस घर में दोबारा आए। जानकी ने कसम खा के रखी है कि वो पायल को इस घर में वापस ला कर ही रहेगी। कोकी, मेरी बहू ने एक फोन क्या कर दिया? तुमने तो आसमानी सर पर उठा लिया। तुम्हें अपना बेटा नहीं दिखाई देता जो रात दिन इसी कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी बेगुनाह साबित हो जाए? दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है कोकी, अपना दोष नजर नहीं आता है किसी को। एक बात तुम याद रखना कोकी, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भाभी, अरे आप तो बुरा मान गई। देखिए, आप तो जानती है ना, मैं पायल को कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। इसे देखो जरा, बहू के होते हुए भी घर का सारा काम ये खुद ही करती फिरती है। अरे कभी कभार बहू की चापलूसी छोड़कर उसे जमीन पर भी पैर रखने दिया करो। ए हाय हाय भाभी, अगर वो पैर जमीन पर नहीं रखेगी तो डांस कैसे करेगी? और मेरी बहू जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी है। हाँ भावना, हाँ। अरे लेकिन भाभी, चुप। चुप। बड़ा बड़ हाथ चला, घर की बहुरानियों की तरह ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर।
जब से ये सब शुरू हुआ है ना, घर का पूरा माहौल ही खराब हो गया है। हाँ तो इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि ये पायल इस घर में दोबारा ना आए। तनी अब ये जानकी किसे लाएगी ये केस हैंडल करने के लिए? कहाँ? तुम्हारी माँ वृंदा? वृंदा ये केस लड़ेगी? जी मीठी बा। बस अभी आती ही होंगी। कितनी देर में आ जाएंगी वो? अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। हमें पूरी उम्मीद है कि वृंदा के आने से हमारी पायल जल्दी वापस घर आ जाएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप मुझे क्रिमिनल एडवोकेट मिसेस वृंदा देसाई ने भेजा है। वृंदा नहीं आई? एक्चुअली वो ही आने वाली थी, लेकिन किसी केस के सिलसिले में उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैं उनकी एसोसिएट एडवोकेट कनिका वाजपेयी हूँ। कनिका जी हैं? माँ से आपकी काफी तारीफ सुनी है। जीका का माँ कहती हैं कि ये बहुत ही काबिल और होनहार वकील हैं और एक दिन शहर की बहुत बड़ी क्रिमिनल लॉयर बनेंगी। ये तो वृंदा जी का बड़प्पन है जीका का। वृंदा जी ने मुझे काजल सुसाइड केस के बारे में बताया था, मैं उसी के लिए कुछ डिटेल्स हासिल करने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, हमें खुशी है कि हमारी पायल के लिए इतनी काबिल वकील मिली। आइए। सबसे पहले मैं केस के पेपर्स देखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं पायल से मिलना चाहती हूँ। तो आप राजकोट में थी इसलिए काजल की जिंदगी के बारे में नहीं जान पाई, राइट? अगर आप मुझे कुछ और बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। जो कुछ भी मैं आपको बताना चाहती थी कनिका जी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने कहा कि सारे सबूत महेश को आपकी मम्मी ने दिए थे, तो महेश ने ये सबूत लेते वक्त अच्छी तरह से देखे थे? मेरा मतलब है, हो सकता है सबूत आपकी मम्मी के घर पर ही बदल दिए गए हो। ऐसा नहीं है कनिका जी,
क्योंकि जब महेश सारे सबूत घर पर लेकर आए थे उसके बाद भी उन्होंने वो सबूत चेक किए थे, और अगर वो सबूत माँ के घर पे बदले हुए होते तो जिसने भी ये सबूत बदले हैं उसे मेरे और महेश की शादी की फोटोज कैसे मिलते, क्योंकि वो सारे फोटोज तो सिर्फ हमारे घर में मेरी बेडरूम की अलमारी में पड़े हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शादी के बाद मैंने और बिंदिया ने मिलकर वो सारे फोटोज एल्बम में डाले थे। मुझे आपसे जो जानना था मैं जान चुकी हूं, आप हिम्मत रखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फैसला आपके हक में हो। तो तय है कि सबूत इसी घर से चुराए गए हैं। क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां पर ये सबूत रखे गए थे? या श्योर। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने घर की अच्छी तरह से तलाशी ली है? कनिका जी आप क्या कह रही हैं? इस घर में चोरी जैसा घिनौना काम कोई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रही कि घर के किसी सदस्य ने चोरी की है, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि हो सकता है सबूत घर पर ही हो और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है किसी ने गलती से सबूत उठा लिए हो और अनजाने में यहीं कहीं रख दिए हो। कई बार चीज हमारी नजर के सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हो सकता है, वरना हमारे घर में जानबूझकर ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। हम सब पायल के अपने हैं, यहाँ पर कोई उसका दुश्मन नहीं है। नहीं नहीं जानकी, दरअसल मैं कुछ और कह रही हूँ। आप लोग ये कह रहे हैं कि बाहर का कोई घर के अंदर आया नहीं, इसका मतलब सबूत भी घर से बाहर गए नहीं, यानी कि सबूत यहीं कहीं होने चाहिए, इसी घर में। लेकिन हमारे घर पे किस पर शक करें? बिंदिया, 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 बिंदिया। एक मिनट, एक मिनट।